इस इमेज को देखे, ये जो खंभे जैसा दिखता है उसे गिलोटिन कहते हैं, जो एक तरह का हथियार है। तो जब 17वीं सदी में फ्रांस में क्रांति हुई थी, तब फ्रांस में रेन ऑफ टेरर नाम की एक घटना घटी थी, जिस घटना के दौरान गिलोटिन का जमकर इस्तेमाल हुआ था और हजारों लोगों को इस गिलोटिन के जरिए मौत के घाट उतार दिया गया था। आगे इस घटना के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब इस इमेज को देखे, जब 17वीं सदी में दुनिया में लोग अपने राजा से इतने डरते थे, उनके अत्याचार सहन करते थे, राजा के हर अच्छे और बुरे नियमों का लोगों को पालन करना पड़ता था, ऐसे समय में पहली बार दुनिया में फ्रांस के लोगों ने आवाज उठाई और लोग बगावत पर उतर आए। और इन फ्रांसीसी लोगों ने ऐसी क्रांति की जिसने मध्य युग की जो हजारों सालों की परंपराएं थी, पुरानी और घिसी पिटी परंपराएं, उन्हें जड़ मूल से उखाड़ फेंका और फ्रांस में पहली बार लोकतंत्र की स्थापना की लोगों ने, जिसके बाद ये लोकतंत्र की लहर पूरी दुनिया में फैल गई और आज हमारा भारत भी इसी लोकतंत्र से चलता है। इसी कारण तो न सिर्फ यूरोप के इतिहास में बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसने हजारों सालों से चली आई अंधविश्वासी और रूढ़िवादी परंपराओं का नाश करके लोकतंत्र के द्वारा आधुनिक युग की शुरुआत की, जिसके बाद दुनिया में प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं को बनाए रखना लगभग असंभव हो गया था। इस घटना के बाद समाज और राजनीति में परिवर्तन लाया गया और नए नए विचारों को अपनाया गया, लोगों को अपने अधिकार मिले और कई नई विचारधारा के साथ दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया इसी फ्रांस की क्रांति के कारण। तभी तो फ्रांस की क्रांति को इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम उस समय के मैप और पेंटिंग के जरिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति का पूरा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांति क्यों हुई थी, इसके क्या क्या अलग अलग कारण थे, ये क्रांति कब शुरू हुई थी और कब खत्म हुई थी, इस क्रांति से पहले फ्रांस में क्या माहौल था, इस क्रांति के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी थी, इसमें कितने लोग मारे गए थे, इस क्रांति का क्या परिणाम हुआ था, इस क्रांति का दुनिया पर और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था, इस क्रांति के कारण दुनिया में क्या क्या परिवर्तन आए थे, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। इस मैप को देखे, ये यूरोप का मैप है 16वीं सदी का, जिसमें ये वाला है फ्रांस। तो उस समय ब्रिटेन के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस ही हुआ करता था और इसी देश में साल 1789 में क्रांति हुई थी, जो 1799 तक चली यानी पूरे 10 साल तक चली थी। लेकिन क्रांतियां कभी अचानक से नहीं होती, कभी कभार एक छोटी सी घटना बारूद से भरे गोडाउन में विस्फोट का काम कर देती है। तो फ्रांस की क्रांति में भी ऐसा ही हुआ था। क्रांति रूपी बारूद का गोडाउन तो लगभग 2 सदियों से भरा पड़ा था, सिर्फ 1789 की कुछ घटनाओं ने इस गोडाउन में विस्फोट करवा दिया। तो फ्रांस की क्रांति किसी एक कारण से नहीं हुई थी, ना ही यह क्रांति सिर्फ अत्याचार और असमानता के विरोध में हुई थी। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और बौद्धिक जैसे अनेकों कारण थे। तो सबसे पहले हम फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो किन किन कारणों से हुई थी वो जानते हैं, ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला था फ्रांस के राजनीतिक कारण। अब उस जमाने में फ्रांस में निरंकुश शासन की एक अजीब परंपरा कायम हो गई थी। क्रांति से पहले फ्रांस पर बुर्बो राजवंश का शासन था। तो साल 1643 में 14वें लुई फ्रांस के राजा बने, ये उनकी इमेज है। इन्होंने साल 1715 तक फ्रांस पर राज किया और इनके शासनकाल में फ्रांस यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश बन गया था, क्योंकि इन्होंने युद्ध कर करके फ्रांस की सीमाओं का विस्तार किया। इस कारण फ्रांस के इतिहास में इस राजा को सबसे महान राजा माना जाता है। लेकिन इन्होंने फ्रांस का पूरा पावर अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद फ्रांस में कोई भी ताकत ऐसी ना रह पाई जो किसी तरह इस राजा का विरोध कर सके। यानी राजा की इच्छा ही कानून था और ये राजा कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, ईश्वर ने मुझे शासन करने के लिए भेजा है। अब यह राजा था तो होनहार, तभी तो इसने फ्रांस पर निरंकुश शासन करना शुरू किया था। लेकिन दूसरी ओर इस 14वें लुई ने इतने युद्ध किए कि जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और इन्होंने अपने शासन के दौरान वर्साई का भव्य महल भी बनवाया, जिसके बाद फ्रांस पर भारी कर्जा हो गया और यह फ्रांस का कर्ज चुकाया इससे पहले ही इनकी मौत हो गई। तो फिर इनकी मौत के बाद 15वें लुई फ्रांस के राजा बने 1715 में, यह उनकी इमेज है। इन्होंने लगभग अगले 60 सालों तक फ्रांस पर शासन किया। लेकिन ये राजा एकदम आलसी और विलासी था और ऊपर से इनके मंत्री भी वैसे ही निकले, आलसी और अयोग्य।
फिर अपने शासन में इस राजा ने सेवन ईयर वॉर शुरू किया ब्रिटेन से, जो 1756 से लेकर 1763 तक चला था, जिसमें फ्रांस को बहुत बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। फ्रांस की तिजोरियां एकदम खाली हो गई और फ्रांस कर्ज में डूब गया। यानी फ्रांस के राजा और उनके मंत्रियों का विलासी जीवन और युद्धों के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति निरंतर बिगड़ती गई, जिसे सुधारने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया इन आलसी राजा और उनके मंत्रियों ने, जिस कारण आम जनता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। और फिर इनकी भी मौत हो गई और 1774 में लुई सोलवा फ्रांस का अंतिम राजा बना। यह उनकी इमेज है। तो इन्हीं के शासन में फ्रांस में क्रांति हुई थी, क्योंकि जब यह फ्रांस का राजा बना तब इनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। इस कारण फ्रांस जैसे बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए न इनके पास जरूरी शिक्षा थी और न ही ज्यादा अनुभव था, और उम्र कम होने के कारण यह राजा फ्रांस के प्रभावशाली लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था। और ऊपर से यह राजा फ्रांस की राजधानी पेरिस से 12 मील दूर वर्साई के शानदार राजमहल में रहता था। यह वर्साई का महल है जो 8 किलोमीटर में फैला हुआ था। यह महल यूरोप के अन्य राजाओं के महलों की तुलना में बहुत ही भव्य और शानदार था। यहाँ सैकड़ों मेहमान रहते थे और हजारों की संख्या में नौकर थे। महल में रंगरेलियों की भरमार थी और इस राजमहल पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे। और इस बिन जरूरी खर्च के कारण फ्रांस के लोग इस राजदरबार को देश के सत्यानाश की जड़ मानते थे। अब यह राजा लुई अपना ज्यादा समय इसी महल में बिताता था। इस कारण राजा को अपनी जनता की कठिनाइयों का पूरा पता भी नहीं था। यानी राजा की उदासीनता से ही फ्रांस की जनता इसे नफरत करने लगी थी। फिर इनकी शादी हुई इस ऑस्ट्रिया एम्पायर की राजकुमारी अंतवानेत के साथ। ये उसकी इमेज है। तो जब यह रानी बनी तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे फ्रांस के राजा लुई सोलवे पर रानी का प्रभाव बढ़ता गया। यानी ये रानी जैसा कहती थी वैसा ही ये राजा करने लगा, या फिर राजा को मजबूरन करना पड़ता था, जो बाद में फ्रांस के लिए प्राण घातक साबित हुआ। दूसरी ओर रानी अंतवानेत काफी सुंदर महिला थी और बहुत ही होनहार भी थी, लेकिन रानी बनने के बाद ये जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगी थी। जैसे इस इमेज को देखे, ये अपने लिए महंगे महंगे परफ्यूम बनवाती थी, जैसे परफ्यूम दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलते थे, और वो हर दिन नया ही ड्रेस पहनती थी। और इस रानी का आचरण भी ठीक नहीं था। यानी रानी बनने के बाद धीरे धीरे इसमें घमंड और अहंकार की मात्रा बढ़ती गई और ये भोग विलास में डूबती चली गई। इस कारण जल्द ही पूरे फ्रांस में ये आलोचना का विषय बन गई, क्योंकि जो देश इतने कर्जे में डूबा हो, जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, जिस देश की जनता का हाल बेहाल हो, उस देश की रानी अगर इतना पैसा खर्च करे तो जनता को थोड़ी पसंद आएगा। और ऊपर से यह रानी जिस देश की राजकुमारी थी, इस ऑस्ट्रिया की, वो फ्रांस का दुश्मन देश था। इस कारण भी फ्रांस के लोगों को यह रानी पसंद नहीं थी और लोग रानी को हमेशा घृणा की नजर से देखते थे। अब इस मैप को देखें, ये फ्रांस का मैप है। तो जैसे आज हमारा भारत अलग अलग राज्यों का समूह है, वैसे ही फ्रांस भी उस समय 13 अलग अलग पार्लमाओं का समूह था, जिसमें यह पेरिस की पार्लमा मुख्य पार्लमा थी। लेकिन इन सभी पार्लमाओं में समानता का अभाव था। कहने को ये सभी पार्लमा केंद्रीय शासन पेरिस की पार्लमा के अंतर्गत थी और हर पार्लमा के लिए एक अलग अलग मंत्री नियुक्त किया जाता था, जो केंद्र के आदेश अनुसार अपनी पार्लमा की शासन व्यवस्था चलाता था। लेकिन पेरिस की केंद्रीय शासन की कमजोरी का लाभ उठाकर इन बाकी पार्लमाओं के मंत्री अपनी मर्जी मुजब अपनी अपनी पार्लमाओं में शासन करने लगे थे। यानी मान लो एक पार्लमा में टैक्स 10% हो तो दूसरी पार्लमा में यह टैक्स 20% तक हो सकता है और तीसरी में 25% भी हो सकता है। तो फ्रांस की जनता इस प्रकार के शासन व्यवस्था से परेशान हो गई थी, क्योंकि पूरे फ्रांस में एक सामान्य नियम का अभाव था। इन पार्लमाओं के मंत्री अपनी मर्जी मुजब अपनी पार्लमाओं में नियम बना देते थे। ऊपर से फ्रांस के लोगों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे और राजदरबार किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकता था और बिना मुकदमा चलाए सजा दी जाती थी। ऐसे में लोगों को कहीं से न्याय मिलने की आशा न थी। कानून और नियम केवल विशेष अधिकार प्राप्त लोगों की सहायता के लिए ही थे, जिसमें देश के अमीर लोग, पादरी और मंत्री जैसे कुछ गिने चुने लोग ही आते थे। तो ऐसी स्थिति में क्रांति होना लाजमी था, लेकिन अभी तक लोग संगठित नहीं हुए थे, इस कारण सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। दूसरा था सामाजिक कारण। तो उन दिनों फ्रांसीसी समाज मुख्यतः तीन वर्गों यानी तीन एस्टेट में विभाजित था। जैसे इस इमेज को देखे, यह पहला एस्टेट है जिसमें चर्च के पादरी और धर्म अधिकारी आते थे।
इस वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त था क्योंकि क्रांति से पहले यह पहला वर्ग फ्रांस का सबसे उच्च समाज माना जाता था, जिस कारण यह वर्ग काफी अमीर और शक्तिशाली बन गया था। अब उस समय फ्रांस की आबादी कुछ 2.5 करोड़ के आसपास का अनुमान है, जिसमें से सिर्फ 1% लोग ही इस पहले एस्टेट में आते थे। फिर भी फ्रांस की 10% जमीन इन लोगों के अधिकार में थी, जिससे इन्हें काफी कमाई होती थी। ऊपर से चर्च के पादरी और धर्म अधिकारी फ्रांस के किसानों से हर फसल पर धार्मिक कर भी वसूल करते थे, लेकिन इन पादरी और धर्म अधिकारियों पर किसी भी तरह का कोई कर नहीं था, यानी ये पहला एस्टेट सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देता था। लेकिन 1780 के दशक में चर्च का नैतिक पतन शुरू हो गया था और इनकी जड़ें भी खोखले हो चुकी थी, क्योंकि इनकी कमाई का ज्यादातर भाग जिसे जनहित में खर्च करना था वो भाग बड़े बड़े अधिकारियों के जेबों में चला जाता था, जो भोग विलासिता का जीवन बिताते थे। तो यह सब देखकर फ्रांस के गरीब और आम लोगों का खून उबलता था, लेकिन वे चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। दूसरा एस्टेट था नोबल्स यानी कुलीन वर्ग। तो इस दूसरे वर्ग में राजदरबारी यानी मंत्री, सामंत और बड़े बड़े पदाधिकारी आते थे। तो क्रांति के पहले इन लोगों की संख्या लगभग 4 लाख के आसपास थी, यानी फ्रांस की आबादी के कुछ 2% लोग दूसरे एस्टेट में आते थे। फिर भी फ्रांस के 25% जमीन पर इन कुलीन वर्ग का अधिकार था, जिससे ये भी भोग विलासिता का जीवन जीते थे। अब कुलीन वर्ग को भी विशेष अधिकार प्राप्त थे और पहले वर्ग की तरह ये दूसरा वर्ग भी देश को कोई भी टैक्स नहीं देता था, और ये लोग मनमाने तरीके से अपनी पार्लिमाओं को चलाते थे और किसानों का हर तरह से शोषण करते थे। ये उस जमाने का एक ड्रॉइंग है, इसमें नीचे मेहनती किसान है जिन पर पहले और दूसरे वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, जो किसानों का हर संभव शोषण करते थे। यानी ये पहले और दूसरे वर्ग के लोग कुछ भी काम नहीं करते थे, फिर भी ये लोग बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे थे, और सामने किसान रात दिन काम कर कर भी गरीब और लाचार थे। इस कारण किसान भी इन राजदरबारियों से नाराज थे और इस पुरानी प्रथा को हटाना चाहते थे, लेकिन इनके पास कोई पावर था नहीं, इस कारण ये लोग चुपचाप सब कुछ सहन कर रहे थे। तीसरा एस्टेट था गरीब और मध्यम वर्ग। तो पहले और दूसरे वर्गों के अलावा बाकी सभी लोगों को तीसरे वर्ग का सदस्य माना जाता था, और फ्रांस की 97% आबादी इसी वर्ग में आती थी, जिन्हें किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं था। इस वर्ग में व्यापारी, वकील, लेखक, शिक्षक, किसान और मजदूर सभी तीसरे वर्ग के सदस्य थे, जिसमें से 90% तो किसान और मजदूर ही थे। अब ये जो तीसरा वर्ग था उसकी आबादी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इन लोगों में आपसी असमानता भी ज्यादा थी। जैसे इस वर्ग में जो लेखक, वकील, शिक्षक, व्यापारी जैसे पढ़े लिखे लोग थे, इनकी स्थिति अच्छी थी, इन्हें ज्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि पहले और दूसरे वर्ग यानी पादरियों और राजदरबारियों का सारा काम ये पढ़े लिखे लोग ही करते थे। इस कारण तीसरे वर्ग के इन पढ़े लिखे लोगों को थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलती थी। अब इस तीसरे वर्ग के इन पढ़े लिखे लोगों में कई लोग काफी अमीर थे, लेकिन फिर भी इन लोगों में काफी असंतोष था कि हमारे पास भी पैसे है तो पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जो सम्मान और विशेषाधिकार मिलते हैं वो सम्मान और विशेषाधिकार हमें भी मिलने चाहिए, ऐसी मांग करते थे तीसरे वर्ग के पढ़े लिखे लोग, जो जायज भी था। यही कारण था कि क्रांति के समय समानता का नारा बुलंद किया गया, और इस नारे को बुलंद करने वाले यही पढ़े लिखे लोग थे। और बाकी तीसरे वर्ग में जो किसान, मजदूर और कारीगर थे, जिनकी आबादी सबसे ज्यादा थी, इन लोगों को राजपरिवार, राजदरबारियों, पादरियों और कुलीन वर्ग के सारे काम करने पड़ते थे, और वो भी मुफ्त में। इस कारण इन लोगों का जीवन बहुत ही दयनीय था, क्योंकि इन्हें राजा को, चर्च को, सामंतों को कई प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे, फिर भी इन लोगों को ना कोई अधिकार था और ना ही इन्हें कोई सुविधा दी जाती थी। ऊपर से इन लोगों से बहुत ही सख्ती से टैक्स वसूला जाता था, क्योंकि कभी अकाल या कम पैदावार होती थी तब भी इन्हें किसी प्रकार की माफी या छूट नहीं दी जाती थी। ऊपर से कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग हमेशा इनका शोषण करते रहते थे। इस कारण इन लोगों को दिनहीन जीवन बिताना पड़ता था, न तो इन्हें भरपेट भोजन मिलता था और न तन ढकने के लिए पूरे कपड़े, और भोग विलास तो इनके जीवन से कोसों दूर था। यानी टैक्स के भारी बोझ से किसानों की कमर टूट चुकी थी, क्योंकि उनकी आय का लगभग 85% हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता था। इस कारण पहले और दूसरे वर्ग के प्रति इनकी नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यही कारण था कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तब इन किसानों ने हृदय से इस क्रांति का स्वागत किया और इस व्यवस्था का सफाया करने में अपना पूरा जोर लगा दिया था। अगला कारण था दार्शनिकों और विचारकों का योगदान। तो क्रांति के पहले
फ्रांस में कई लेखक, विचारक और दार्शनिक हुए जिन्होंने इस मौजूदा व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति की भावना को जागृत करने का खूब प्रयास किया। इन्होंने हजारों साल पुराने व्यवस्था पर प्राण घातक प्रहार किया। इन्होंने लोगों के असंतोष को बड़ी खूबसूरती से शब्दों में प्रस्तुत किया और इस व्यवस्था में सुधार के लिए एक बहुत बड़ा जनमत तैयार किया, जिनमें से एक थे मोंतेस्क्यू। ये उनकी इमेज है। फ्रांसीसी समाज की आलोचना करने वाले पहले प्रमुख व्यक्ति मोंतेस्क्यू ही थे। पेशे से एक न्यायाधीश थे, लेकिन इनकी लोकप्रिय बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में इन्होंने फ्रांस के राजाओं के अधिकार और फ्रांस की समाज व्यवस्था की खूब आलोचना की। और ये खुद भी चाहते थे कि देश में निरंकुश शासन को समाप्त करके संवैधानिक शासन लागू करना चाहिए ताकि सभी लोगों को समान अधिकार मिले। दूसरे थे वाल्टेयर। ये उनकी इमेज है। वाल्टेयर एक महान लेखक, दार्शनिक, इतिहासकार और एक आलोचक थे, और अपनी आलोचना के कारण इन्हें कई बार कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ी। असल में वाल्टेयर को हर प्रकार के अत्याचार से नफरत थी, क्योंकि ये आजादी के समर्थक थे। कहते हैं कि इनका लेखन तलवार से भी ज्यादा धारदार होता था। इन्होंने उस समय के अन्याय और अत्याचार पर ऐसा ऐसा लिखा कि जिसे पढ़कर किसी भी इंसान का खून गर्म हो जाए। इन्होंने जो धर्म अधिकारी थे उनकी भी खूब टीका की, यानी इनके लेखन से भी हजारों लोग जागृत हुए और लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ कि देश को एक नई व्यवस्था की जरूरत है। तीसरे थे रूसो। ये उनकी इमेज है। तो रूसो को उस समय के सबसे महान विचारक माना जाता है। इनका मानना था कि एक आदर्श समाज का निर्माण होना चाहिए। इनकी फेमस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने लिखा है कि सभी इंसान स्वतंत्र और एक समान है, तो राजा का कर्तव्य है कि वो हर इंसान के अधिकारों की रक्षा करे, और अगर राजा ऐसा ना करे तो जनता को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वह राजा को सजा दे पाए। यानी फ्रांस के लाखों लोग रूसो के कारण जागृत हुए थे। तभी तो क्रांति के कुछ सालों बाद नेपोलियन ने कहा था कि यदि फ्रांस में रूसो का जन्म ना होता तो फ्रांस में क्रांति का होना असंभव था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय लोग रूसो से कितना प्रभावित हुए होंगे। अगले थे दिद्रो। ये उनकी इमेज है। तो दिद्रो के लेखन में धर्म और राजनीति के संबंधित आलोचनाएं थी, जिनसे साफ साफ विद्रोह की बदबू आ रही थी। इसके अलावा दिद्रो ने निरंकुश शासन, चर्च की अनैतिकता, सामंती व्यवस्था, सामाजिक असमानता और भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार किए थे, जिन्हें पढ़ने के बाद लोगों को एक नया दृष्टिकोण मिला था। इसके अलावा कुछ विचारक ये भी कह रहे थे कि सबको अपनी इच्छा अनुसार काम करने दो, जिन पर राज परिवार के कम से कम हस्तक्षेप हो, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करो। और राजा अगर कहता है कि ईश्वर ने मुझे शासन करने के लिए भेजा है, तो राजा से सबूत मांगो कि इनका क्या सबूत है तुम्हारे पास। यानी इन विचारकों ने राजा के शासन पर सवाल उठाए कि किसने तुम्हें शासन करने का अधिकार दिया है। ऐसे कई विचार इन्होंने अपनी किताबों में लिखे, जिन किताबों को पढ़े लिखे लोग पढ़ते थे, और ये पढ़े लिखे लोग इन विचारों को जोर जोर से बोलकर उन लोगों के सामने रखते थे जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे इस इमेज को देखें, ये उस जमाने का एक सैलून है, और ऐसे हजारों सैलून पूरे फ्रांस में उस समय बनाए गए थे। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों को नए नए विचार बताते थे, इस कारण भी कई लोग जागृत होते जा रहे थे। तो फ्रांस के इन्हीं दार्शनिकों और लेखकों ने लोगों को आजादी का सपना दिखाया, क्योंकि इन विचारकों द्वारा बताए गए स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता, उन्मुक्त व्यापार और जनसत्ता के विचार पुराने व्यवस्था को उखाड़ने में मजबूत हथियार साबित हुए। असल में इन लेखकों और दार्शनिकों ने ही क्रांति को जन्म दिया था, और क्रांति के कारणों को बड़ी चतुराई के साथ लोगों के सामने रखकर लोगों को क्रांति की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। अगला था आर्थिक कारण। शुरू में हमने जाना कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही थी। राजा 14वें लुई के बहुत सारे युद्ध और वर्षा के भव्य राजमहल के निर्माण ने न सिर्फ फ्रांस की तिजोरियों को खाली करवाया, बल्कि इससे फ्रांस पर बहुत ज्यादा कर्ज भी हो गया था। फिर 15वें लुई ने भोग विलासिता और ब्रिटेन के साथ सेवन ईयर वॉर के कारण फ्रांस का कर्ज और बढ़ गया, और 16वें लुई के शासन में फ्रांस लगभग दिवालिया होने के कगार पर आ खड़ा था। तो फ्रांस की आर्थिक हालत खराब थी, इस कारण तीसरे एस्टेट के लोग यानी किसान और मजदूर पर कर का बोझ बढ़ता जा रहा था। हजारों लोग बेरोजगार थे, पाव रोटी की कीमतें बढ़ती जा रही थी। इस कारण राजा लुई ने तुरंत तुर्गोत को, यह उनकी इमेज है, तो इन्हें फ्रांस का वित्त मंत्री बनाया गया, क्योंकि तुर्गोत उस जमाने के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने लगभग 2 साल तक इस पद पर रहते हुए फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का खूब प्रयास किया। इन्होंने देश के उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए
लोगों को तरह तरह की सुविधाएं दिलवाने की कोशिश की और बहुत भारी कर यानी टैक्स लोगों पर जो लादे गए थे उन्हें भी कम करने की कोशिश की। इसके अलावा फ्रांस के दिवालियापन को दूर करने के लिए तुर्गुत ने राजा लुई के सामने दो ऑप्शन रखे, जिसमें पहला था सरकारी खर्च में कमी करना और दूसरा था सार्वजनिक धन की वृद्धि करना। फिर उस समय फ्रांस सरकार की आय को बढ़ाने के लिए कृषि, उद्योग और व्यापार पर जो तरह तरह के प्रतिबंध लादे गए थे उसे भी कम करने की जरूरत थी। तो तुर्गुत ने यह सब अच्छे से किया, जिससे सरकार की आय में काफी बढ़ोतरी भी हुई। लेकिन इससे फ्रांस के वे सभी लोग तुर्गुत के दुश्मन बन गए जो अब तक सरकार के खर्चे से ही भोगविलासी जीवन जी रहे थे, जिसमें राजा के मंत्री, चर्च के पादरी और फ्रांस के बाकी अमीर लोग भी शामिल थे जो सरकार के पैसे पर ही जी रहे थे। इन्हें देश के लिए कोई भी काम नहीं करना था, बस सरकार के पैसे पर भोगविलासी जीवन जीना था। तो जब तुर्गुत ने सरकारी खर्च को कम कर दिया तब ये सभी लोग मिलकर तुर्गुत को सत्ता से हटाना चाहते थे, क्योंकि तुर्गुत ने काफी अच्छा काम किया था। इन्होंने खाद्य पदार्थ के व्यापार पर लागू प्रतिबंधों को हटाकर अनाज के व्यापार में काफी छूट दी, जिससे लोगों को नए नए उद्योग खोलने का प्रोत्साहन मिला था। इसके अलावा तुर्गुत ने कोरवी नामक कर को भी समाप्त कर दिया, जिसके तहत फ्रांस के किसानों को मुफ्त में सड़कों पर काम करना पड़ता था, जिसे किसान घृणा की नजर से देखते थे। इस कारण तुर्गुत ने इन किसानों को मजदूरी देना शुरू करवाया। और पहले फ्रांस का जो कुलीन वर्ग था यानी अमीर लोग और बड़े बड़े जमींदार थे, वे किसी भी तरह का कोई कर नहीं देते थे, सिर्फ फ्रांस के किसान, मजदूर और गरीब लोग ही कर देते थे। तो तुर्गुत ने कुलीन वर्ग और जमींदारों पर भी एक समान कर लगा दिए। और आखिर में जब साल 1776 में तुर्गुत ने कई विशेष अधिकारों को समाप्त करने के लिए करों में कमी करना, नमक कर हटाना, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जैसे कई प्रस्ताव राजा के सामने रखे, जिससे फ्रांस को कर्ज मुक्त किया जा सके। लेकिन फ्रांस के जिन लोगों को ऐसे विशेष अधिकार मिल रहे थे, जिसमें मंत्री, अमीर लोग और पादरी, वे सब तुर्गुत के खिलाफ हो गए और इन सब ने मिलकर रानी अंतवानेत को अपने पक्ष में कर लिया। यानी रानी और इन सभी लोगों ने मिलकर राजा लुई पर दबाव डाला कि आप तुर्गुत को मंत्री पद से हटा दो। ऐसे में राजा लुई अपनी रानी की बात को नहीं टाल सका और मजबूरन अपने योग्य मंत्री तुर्गुत को हटाना पड़ा। तो तुर्गुत के बाद नेकर को फ्रांस का वित्त मंत्री बनाया गया, ये उनकी इमेज है। इन्होंने भी फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने आम लोगों के जो असंतोषजनक सामाजिक प्रश्न थे इन्हें हल करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। यानी फ्रांस के आम लोग, जिसमें किसान, मजदूर और गरीब लोग थे, उनके लिए नेकर ने कोई भी काम नहीं किया। अब इस मैप को देखें, यह पिंक कलर में ब्रिटेन है और ये ब्लू कलर में फ्रांस, जो उस समय यूरोप की सबसे बड़ी ताकतें थी। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी थे। अब यहाँ पर है अमेरिका, जो उस समय ब्रिटेन का गुलाम था। लेकिन संयोग से इसी समय अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें अमेरिकी लोग अपनी आजादी के लिए ब्रिटेन से लड़ रहे थे। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट करके बताएं। और आप में से कई ऐसे लोग हैं जो मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये मेरा UPI ID है। और अगर आपको भी मेरा काम अच्छा लगता है तो आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस UPI ID पर। खैर, तो अमेरिका अपनी आजादी के लिए ब्रिटेन से लड़ रहा था और ब्रिटेन फ्रांस का दुश्मन था। तो यहाँ पर फ्रांस में नेकर ने राजा लुई को सलाह दी कि अगर फ्रांस ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका को सपोर्ट किया तो फ्रांस का कर्जा और भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन राजा लुई ने नेकर की बात को नहीं माना और भारी कर्जा लेकर अमेरिकी लोगों को मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्रांस अपने दुश्मन ब्रिटेन को बर्बाद करना चाहता था। लेकिन ऐसा करने से फ्रांस का कर्जा और बढ़ गया। उस समय फ्रांस की करेंसी लेवरे थी और अमेरिका की मदद करने से पहले फ्रांस पर 2 अरब लेवरे का कर्ज था। लेकिन अमेरिका की मदद करने के बाद फ्रांस पर 10 अरब लेवरे का कर्ज हो गया था, वो भी आज से 250 साल पहले। इस कारण आखिर में वित्त मंत्री नेकर ने भी सरकारी खर्च में कमी करने का प्रस्ताव रखा। और ऊपर से नेकर ने फ्रांस की आय और खर्च की रिपोर्ट को पूरे फ्रांस में प्रकाशित करवा दी। इस कारण फ्रांस के मंत्री, कुलीन वर्ग और पादरी नेकर के भी दुश्मन बन गए, क्योंकि अभी तक किसी भी वित्त मंत्री ने सरकारी आय और खर्च के आंकड़ों को जनता के सामने कभी नहीं रखा था। और नेकर की रिपोर्ट में मंत्री, कुलीन वर्ग और पादरियों को मिलने वाले पेंशनों और भत्तों का भी उल्लेख था। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये लोग इस पेंशन के बदले में देश के लिए किसी भी प्रकार की कोई सेवा भी नहीं करते हैं। इस कारण मंत्री, कुलीन वर्ग और पादरियों ने मिलकर फिर से रानी को अपने पक्ष में करके नेकर को भी अपने पद से हटवा दिया।
फिर साल 1781 में नेकर के बाद केलोन को वित्त मंत्री बनाया गया, यह उनकी इमेज है। अब इनकी नियुक्ति कुलीन वर्ग की इच्छा से हुई थी, यानी एक तरह से फ्रांस के कुलीनों की कठपुतली थे। इस कारण केलोन जिस साल मंत्री बना उस साल सरकारी बजट में लगभग 16 करोड़ 20 लाख लीवरे का घाटा हुआ था, और केलोन ने इस समस्या का समाधान थोड़ा और कर्ज लेकर किया, क्योंकि केलोन ने कहा कि इस बार हमें जो कर्ज देगा उन्हें हम ज्यादा ब्याज देंगे। इस कारण फ्रांस को इस बार तो कर्ज मिल गया, लेकिन ज्यादा ब्याज तो दूर मूल रकम को भी फ्रांस चुका नहीं पाया। इस कारण धीरे धीरे कुछ सालों बाद फ्रांस को कर्ज मिलना बिल्कुल बंद हो गया, और अगस्त 1786 में फ्रांस का सरकारी खजाना बिल्कुल खाली हो गया, और अब कहीं से भी नया कर्ज मिलने की संभावना नहीं थी। जिसके बाद केलोन ने भी अब राजा लुई को वही सलाह दी कि एक ऐसा कर लगाया जाए जिसे तीनों वर्ग के लोगों को समान रूप से चुकाना पड़े, लेकिन विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग जिसमें अमीर लोग, पादरियों और मंत्रियों को यह पसंद नहीं आया, और यह सभी केलोन के विरोधी हो गया। लेकिन केलोन ने समझदारी से अपना काम लिया और खुद ही अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद ब्रिने को वित्त मंत्री बनाया गया, ये उनकी इमेज है। ये भी फ्रांस की आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार पाए, और इन्होंने भी राजा लुई को वही सलाह दी कि तीनों वर्गों पर एक समान कर लगा दो, तभी सरकार की तिजोरियों में पैसा आएगा। इस कारण आखिरकार तंग आकर राजा लुई ने इस बार नए कर लगाने की मंजूरी दे दी कि अब सब पर एक समान कर लगा दो। अब उस समय भी फ्रांस की राजधानी पेरिस थी, और पेरिस की पार्लमा फ्रांस की मुख्य पार्लमा थी, तो पेरिस की पार्लमा ने राजा के इन करों का घोर विरोध किया और इन्हें अपने रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार कर दिया। अब जब तक नए कर के नियम पार्लमा के रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाते तब तक उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था, और पेरिस की पार्लमा का कहना था कि करों को लगाने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो लोग कर अदा करते हैं, तो इसके लिए आप एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाओ, तभी देश में नए कर लागू होंगे। लेकिन राजा लुई को यह मंजूर नहीं था, इस कारण राजा लुई ने पार्लमा के सदस्यों को बंदी बनाने की कोशिश की। राजा लुई ने अपनी सेना को आदेश दिया कि पार्लमाओं के सभी सदस्यों को बंदी बना लो, लेकिन फ्रांस की सेना ने इन सदस्यों को बंदी बनाने से इनकार कर दिया, और ऊपर से फ्रांस की आम जनता ने भी पार्लमाओं का जोरदार समर्थन किया कि एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाओ, तभी देश में नए कर लागू होंगे। और इसी तरह फ्रांस में जो दूसरी पार्लमाएं थी उन्होंने भी पेरिस की पार्लमा का समर्थन करते हुए एस्टेट जनरल के अधिवेशन की मांग की, यानी धीरे धीरे पूरे फ्रांस में इस मांग का समर्थन होने लगा था। अब कई सदियों से फ्रांस की सेना और आम जनता राजा के विरुद्ध कभी बोली नहीं थी, तो वह सब इस बार क्यों आवाज उठा रहे थे? क्योंकि अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकी लोगों को काफी मदद की थी। फ्रांस ने अपने 12,000 सैनिक और 32,000 स्वयंसेवकों को अमेरिका भेजा था, तो ये सैनिक और स्वयंसेवक जब अमेरिका को जिताकर वापस फ्रांस लौटे तो इन्होंने फ्रांस की आम जनता को क्रांति के लिए उत्साहित करना शुरू कर दिया कि अत्याचारी शासन के विरुद्ध कैसे लड़ा जाता है, कैसे अत्याचारी शासन को खत्म किया जाता है। इसके अलावा फ्रांस का जो पड़ोसी देश है आयरलैंड, ये वाला, तो आयरिश लोगों ने भी अपने निरंकुश शासन के विरुद्ध आंदोलन करके 1782 में काफी सुविधाएं प्राप्त कर ली थी, तो इसका भी फ्रांस के लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा था। तो कुल मिलाकर फ्रांस की सेना और आम जनता मौजूदा शासन से संतुष्ट नहीं थी। सेना और उनके अधिकारियों पर उस समय के विचारों का जोरदार प्रभाव पड़ चुका था। इस कारण तो इस बार सेना भी फ्रांस की आम जनता के साथ खड़ी हो गई थी। तो यह सब देखकर आखिरकार राजा लुई को जनता की मांग के सामने झुकना पड़ा, और राजा लुई ने एस्टेट जनरल के अधिवेशन को बुलाने की मंजूरी दे दी। लेकिन राजा लुई का झुकना इस बात का संकेत था कि अब फ्रांस में निरंकुश शासन बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। अब इस इमेज को देखें, यह एस्टेट जनरल जो फ्रांस की सदियों पुरानी एक संस्था थी जिसका आखिरी अधिवेशन साल 1614 में हुआ था, और फिर 1789 में एक बार फिर यह अधिवेशन बुलाया गया, क्योंकि देश में जब नए कानून पास करने हो तो उसके लिए देश के सभी प्रतिनिधियों की मंजूरी लेना जरूरी था। तो इस अधिवेशन में पूरे फ्रांस के पादरियों के प्रतिनिधि, कुलीन वर्ग के प्रतिनिधि और आम जनता के प्रतिनिधि, यानी तीनों वर्गों के प्रतिनिधि लगभग बराबर संख्या में आने वाले थे। लेकिन इसमें टोटल तीन ही मत थे, एक पादरियों का मत, एक कुलीन वर्ग का मत और एक आम जनता का मत। तो तीन में से अगर किसी भी कानून को दो मत मिल जाए तो एस्टेट जनरल द्वारा वो कानून पास कर दिया जाता था। लेकिन पादरियों का एक मत और कुलीन वर्ग का एक मत ज्यादातर एक ही तरफ होता था, क्योंकि इन दोनों वर्गों को विशेष अधिकार मिलते थे, तो ये दोनों मिले हुए थे और ये दोनों अपने बहुमत से
आसानी से आम जनता को हरा देते थे। तो 5 मई 1789 के दिन एस्टेट जनरल का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें राजा लुई ने उद्घाटन भाषण में संविधान और नए सुधार के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। राजा ने सिर्फ इसी बात पर जोर दिया कि देश की विषम आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एस्टेट जनरल को बुलाया गया है, और राजा को विश्वास था कि एस्टेट जनरल नए करों को मंजूरी देकर शांति से अधिवेशन समाप्त कर देगी। राजा लुई ने कल्पना भी नहीं की थी कि एस्टेट जनरल का अधिवेशन क्रांति का मुख्य द्वार बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राजा की गलती सिर्फ इतनी ही थी कि इन्होंने मौजूदा व्यवस्था से खुश और विशेष अधिकार प्राप्त पादरी और कुलीन वर्ग को बिना किसी अधिकार वाली आम जनता के सामने खड़ा कर दिया, जो जनता मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारना चाहती थी। तो जैसे ही राजा का भाषण खत्म हुआ और अधिवेशन शुरू हुआ, इसके साथ ही एक गंभीर विवाद उठ खड़ा हुआ। और विवाद क्या था? कुछ पादरी और कुलीन वर्ग के प्रतिनिधि पुराने व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते थे, जबकि तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि पादरी और कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों को समाप्त करने पर अड़ा हुआ था। अब इस विवाद को सुलझाए बिना अधिवेशन कोई भी फैसला नहीं ले सकता था। तो दुर्भाग्यवश 6 मई को यह संघर्ष शुरू हुआ, जो जून के अंत तक चलता रहा। इस दौरान आम जनता के प्रतिनिधि रोज इस अधिवेशन में आते थे, इस उम्मीद के साथ कि देश में नए सुधार हो जाए। लेकिन पादरी और कुलीन वर्ग के प्रतिनिधि अधिवेशन में नहीं आते थे, और जब तक तीनों वर्ग के प्रतिनिधि साथ ना आए तब तक अधिवेशन खत्म करना नामुमकिन था। तो धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, और कुछ 5 सप्ताह बीत गए, लेकिन अधिवेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इस कारण तंग आकर आम जनता के प्रतिनिधियों ने अगले महीने यानी 13 जून के दिन पादरी और कुलीन वर्ग के प्रतिनिधियों को आखिरी बार निमंत्रण भेजा कि अगर आप कल अधिवेशन में नहीं आए तो आपके बिना ही अधिवेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी पादरी और कुलीन वर्ग के सभी प्रतिनिधि अगले दिन अधिवेशन में नहीं आए। इस कारण 17 जून को आम जनता के प्रतिनिधियों ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने आप को राष्ट्रीय महासभा घोषित कर दिया, यानी नेशनल असेंबली, जो स्पष्ट रूप से क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि अब यह एक तरह से फ्रांस की सरकार बन गई और ये 20 जून को शपथ लेने वाले थे। लेकिन राजा लुई और पादरी और कुलीन वर्ग को यह मंजूर नहीं था। इस कारण राजा लुई ने 20 जून को आम जनता के प्रतिनिधियों का जो सभा भवन था उसमें ताला लगवा दिया। और जब ये आम जनता के प्रतिनिधि सभा भवन में बैठने आए तो दरवाजे पर इन्हें ताला मिला। अब आम जनता के प्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं अपना अधिवेशन करना जरूरी था, और सभा भवन के बगल में ही एक टेनिस खेलने की जगह थी। तो आम जनता के प्रतिनिधि उस टेनिस कोर्ट में गए और यहीं पर इन्होंने अपना अधिवेशन किया, जहां पर इन्होंने शपथ ली कि वे अपनी बैठकें जारी रखेंगे और जब तक देश के लिए एक संविधान ना बने तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस कारण इतिहास में इस घटना को टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है, और कई इतिहासकार फ्रांस की क्रांति की शुरुआत भी इसी घटना को मानते हैं, क्योंकि एस्टेट जनरल के एक वर्ग ने खुद को राष्ट्रीय महासभा घोषित करके अब संविधान बनाने की घोषणा कर दी थी कि एक संविधान बनाया जाए जिसके द्वारा राजा की शक्तियों को सीमित कर दी जाए और राजा और जनता के अधिकार निश्चित कर दिया जाए और संविधान को सभी लोगों पर समान रूप से लागू किया जाए। तो टेनिस कोर्ट की शपथ के बाद आम जनता के प्रतिनिधियों ने अपने देश फ्रांस के लिए संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसके लिए इन्होंने एक संविधान समिति भी बनाई। अब यह राष्ट्रीय सभा संविधान बना रही थी तो आखिर में इन्होंने अपना नाम भी बदल दिया। पहले जो राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली नाम था उसे बदलकर इन्होंने अपना नाम संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रख दिया। यानी एक तरफ आम जनता के प्रतिनिधि अपने देश फ्रांस के लिए संविधान बनाने की राह पर चल पड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ राजा लुई पर दबाव डाला गया पादरी कुलीनों और रानी के द्वारा कि अब जल्द से जल्द संविधान सभा को रोक दो। अब राजा लुई के पास और कोई रास्ता था नहीं, तो राजा लुई ने इस संविधान सभा को दबाने के लिए विदेशों से भाड़े पर बहुत से सैनिक मंगवाए और उन्हें राजधानी पेरिस और वर्साय के महल में तैनात किया गया। अब राजा ने विदेशी सैनिक क्यों मंगवाए थे? क्योंकि फ्रांस की सेना तो आम जनता के साथ में थी, इस कारण राजा को विदेशों से भाड़े पर सैनिक मंगवाने पड़े। इसके अलावा राजा लुई ने 11 जुलाई को वित्त मंत्री नेकर को भी अपने पद से हटा दिया, क्योंकि नेकर भी आम जनता के पक्ष में थे। लेकिन नेकर इस समय तक जनता में काफी लोकप्रिय हो चुके थे, क्योंकि नेकर भी कई ऐसे सुधार करना चाहते थे जो आम जनता भी चाहती थी। ऐसे में नेकर को जब अपने पद से हटाया गया तो आम जनता को ऐसा लगा
कि अब राजा लुई कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, क्योंकि पेरिस में विदेशी सैनिक भी दिख रहे थे, तो लोगों को लगा कि अब यह मुसीबत हम पर भी टूट पड़ेगी। और दूसरी ओर आम जनता के जो लीडर थे, उनमें से कुछ लीडरों ने आम जनता को भड़काना शुरू किया कि हमारे वित्त मंत्री नेकर को पद से हटाया गया, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, और राजा ने हम देशभक्तों और क्रांतिकारियों को खत्म करने के लिए विदेशी सैनिकों को भी बुलाया है, तो हमें भी हथियार उठाने होंगे। यानी एक तो माहौल गर्म था और ऊपर से आम जनता के लीडरों ने ऐसी ऐसी बातें फैलाई, जिसका परिणाम यह निकला कि लोग हथियार की खोज में निकल पड़े, और 14 जुलाई तक में राजधानी पेरिस की सड़कों पर हजारों लोग हथियार के साथ घूम रहे थे। और इसी दिन यानी 14 जुलाई को पेरिस की उत्तेजित भीड़ ने बेस्टिल नाम के प्राचीन किले पर हमला बोल दिया। अब इस किले का सैनिक दृष्टिकोण से कोई भी महत्व नहीं था, लेकिन जेल के रूप में यह काफी बदनाम हो चुका था और यह किला राजा के अत्याचार का प्रतीक समझा जाता था। इस कारण इस किले पर हमला करके क्रांतिकारी लोग राजा को जनता की शक्ति का परिचय दे देना चाहते थे, और कुछ ही घंटों में इस भीड़ ने इस किले पर कब्जा कर लिया। अब यह घटना वैसे तो सामान्य सी है, लेकिन इस घटना का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है इस क्रांति में, क्योंकि दूसरी बार आम जनता ने फ्रांस के निरंकुश शासन पर विजय प्राप्त की थी। और इसी घटना के बाद संविधान सभा भी खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करने लगी, क्योंकि इसी दिन जनता ने लगभग क्रांति पर अपना नियंत्रण कर लिया था, और इसी दिन यानी 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश का दिन घोषित कर दिया गया, और फ्रांस के बोर्बन राजाओं के जो पुराने सफेद झंडे थे उनकी जगह पर लाल, सफेद तथा नीले रंग का नया तिरंगा झंडा पहराया गया। तभी से फ्रांस हर 14 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि फ्रांस के लिए यह दिन आजादी से कम नहीं था। पिछले कई सदियों से ये लोग अलग अलग राजाओं और सामंतों के दबाव में जी रहे थे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दिन आम जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। खैर, तो राजधानी पेरिस में कुछ ऐसा माहौल था, और पेरिस में बेस्टिल किले के पतन के बाद तो फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में भी क्रांति की लहरें उठने लगी। फ्रांस के गांव कस्बों में किसानों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और कई कुलीन और सामंतों के कागजात को जला डाला, और कईयों के साथ मारपीट भी शुरू कर दी, क्योंकि अभी तक ये कुलीन और सामंत जैसा व्यवहार आम जनता के साथ कर रहे थे, अब ऐसा ही व्यवहार आम जनता इनके साथ करने लगी थी, और जुलाई के अंत तक क्रांतिकारियों का यह काम ऐसे ही आगे बढ़ता गया। अब ये आम जनता के प्रतिनिधि संविधान बना रहे थे, तो 4 अगस्त के दिन एस्टेट जनरल में तीनों वर्गों की फिर से सभा हुई। लेकिन अब पादरी और कुलीन वर्ग को अच्छे से पता चल गया था कि अगर हमें इस देश में रहना है तो हमें अपने विशेष अधिकार को खत्म करना ही होगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये आम जनता हमसे यह विशेष अधिकार छीन लेगी। तो इस डर के कारण कि ऐसा कुछ हो, इससे पहले ही पादरी और कुलीन वर्ग ने सामने से ही अपने विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया, और गांव कस्बों में जो पादरी थे उन्होंने भी किसानों से कर लेना बंद कर दिया। इसके अलावा धर्म के नाम पर लोगों से अभी तक जो कर वसूला जाता था उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से 4 अगस्त के दिन यह अधिवेशन चलता रहा, और लगभग ऐसे 30 अलग अलग फरमान जारी किए गए, जिनके परिणाम स्वरूप अचानक एक ऐसी सामाजिक क्रांति हो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहां पर फ्रांस के सभी लोगों को भी समान रूप से राजकीय सेवा देना तय हुआ, और सबसे बड़ी बात इस अधिवेशन की यह थी कि सभी जातीय भेदभाव को हटा दिया गया। यानी अभी तक जो फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था, उस व्यवस्था को नाबूद करके एक नई व्यवस्था बनाई गई, जिसमें फ्रांस के सभी लोगों को पहली बार एक समान माना गया। अब पादरी और कुलीनों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से इसे कानून का रूप देने में ज्यादा समय की जरूरत थी, जो साधारण सी बात फ्रांस की आम जनता को समझ में नहीं आई। और जब कुछ समय बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई परिवर्तन नजर नहीं आया, तो आम जनता ने फिर से लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, क्योंकि आम जनता को डर लगने लगा कि कहीं उनका संघर्ष और बलिदान व्यर्थ ना चला जाए, और अब तक उन्हें जो सफलता मिली थी उस पर पानी ना फेर दिया जाए। और ऊपर से उसी दौरान राजा लुई का भाई और बहुत से कुलीन लोग फ्रांस को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए थे, जहां पर ये वहां के राजाओं की सहायता से फ्रांस की क्रांति को दबाने की योजना बना रहे थे। और दूसरी ओर आम जनता के कुछ क्रांतिकारी नेता भी झूठी अफवाहें फैलाकर अव्यवस्था बढ़ा रहे थे। लेकिन आम जनता के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो ये थी कि 4 अगस्त को जो 30 फरमान जारी किए गए थे उस पर राजा ने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। इस कारण आम जनता को भी ऐसा लगने लगा कि कहीं राजा लुई भी
पड़ोसी देशों के राजाओं के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र तो नहीं बना रहा। इसके अलावा जो फरमान जारी किए गए थे वो अभी तक कानून नहीं बने थे, इस कारण फ्रांस में जो स्थिति थी उसमें अभी तक सुधार नहीं हुआ था। पाव रोटी की कीमत अभी भी आसमान छू रही थी, कई लोग अभी भी बेरोजगार थे। तो इन सबसे तंग आकर 5 अक्टूबर के दिन राजधानी पेरिस में कुछ 7,000 महिलाएं आंदोलन करने के लिए इकट्ठी हुई और हमें पाव रोटी दो का नारा लगाते हुए ये भीड़ वर्साय के महल की तरफ रवाना हुई। यह उस जमाने का एक ड्राइंग है, इसमें आप देख सकते हैं इन महिलाओं के हाथ में खेत के औजार है। तो इस भीड़ ने महल के गेट को तोड़ दिया और महल के कई सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया, यानी एक तरह से इन भीड़ ने वर्साय के महल पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसके बाद राजा लुई और रानी को जबरदस्ती पेरिस के पुराने महल में लाया गया और यहां पर आने के बाद अब राजा पेरिस की भीड़ का एक बंदी बनकर रह गया था। अब संविधान सभा भी पेरिस में काम कर रही थी, तो इस सभा ने फ्रांस के नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कर दी कि स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और अत्याचार का विरोध करना यह सब आज से आम जनता के अधिकार है। घोषणा पत्र में कहा गया कि इंसान जन्म से ही स्वतंत्र रहता है जब तक कि वह दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। अब किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और कानून के तहत सबको एक समान कहा गया और हर इंसान को बोलने, लिखने और प्रकाशन की आजादी दी गई। इस तरह से इस घोषणा पत्र में कुल 17 अलग अलग धाराएं थी और इसमें जनता की प्रभुसत्ता को जितना महत्व दिया गया था उतना पहले कभी नहीं दिया गया था। इस संविधान को डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन नाम दिया गया था, लेकिन इसमें महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे और ना ही अफ्रीकी गुलामों को कोई अधिकार मिले थे। खैर, तो इस घोषणा पत्र में एक अच्छी शासन प्रणाली की स्थापना करने के लिए जिन राजनीतिक, संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों की आवश्यकता होती है उन सबका उल्लेख किया गया था और यह मनुष्य मात्र के अधिकारों की घोषणा थी। दुनिया के किसी भी भाग में लोग इसे लागू कर सकते थे, यानी फ्रांस ने अपने इस घोषणा के द्वारा अपने पड़ोसी निरंकुश राजाओं को बहुत बड़ी चुनौती दे दी थी। तो इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे संविधान में कई संशोधन किए गए और साल 1791 में यह संविधान बनकर तैयार हो गया। यह उसकी इमेज है। तो फ्रांस के इतिहास में यह पहला लिखित संविधान था। इसमें बहुत सारी धाराएं लिखी गई थी, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि अब देश के राजा को सरकारी धन को मनचाहे ढंग से खर्च करने का अधिकार नहीं दिया गया और राजा का वेतन निश्चित कर दिया गया। और राजा को एक अधिकार ये भी दिया गया कि अगर संविधान सभा कोई कानून पास करती है और वो कानून अगर राजा को पसंद ना आए तो राजा उस कानून को 4 साल तक लागू होने से रोक सकता है। तो इस तरह से संविधान बनकर तैयार हो गया और राजा लुई ने विवश होकर इस नए संविधान को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा इस संविधान में अभी तक धर्म के नाम पर चर्च को जो संपत्ति मिल रही थी उस संपत्ति को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी गई। देश में पादरियों की संख्या घटाकर लगभग आधी कर दी गई और पादरियों का वेतन भी निश्चित कर दिया गया, यानी अब पादरी भी एक तरह से देश के कर्मचारी बन गए। और सबसे बड़ी बात यह कि चर्च के सभी अधिकारियों को इस संविधान का समर्थन करने की शपथ लेनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर पादरियों ने शपथ लेने से मना कर दिया और जिन पादरियों ने अभी तक क्रांति का समर्थन किया था वे भी अब क्रांति के विरोध में हो गए, यानी एक तरह का धार्मिक कलह खड़ा हो गया। फिर भी आत्मग्लानी के साथ राजा लुई ने इस पर भी हस्ताक्षर कर दिया। अब पहले राजा लुई को वर्साय के महल से पेरिस में लाया गया और फिर राजा से उसके अधिकार छीनकर संविधान पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर कर दिया गया। तो इन सभी घटनाओं से राजा लुई काफी परेशान हो गया और आखिर में उसने भी फ्रांस से भागने की योजना बनाई। राजा लुई अपनी रानी और राजकुमार के साथ भेष बदलकर पेरिस से भाग निकला, लेकिन फ्रांस की सीमा पार करने के पहले गांव के लोगों ने उसे पहचान लिया कि यह तो हमारा राजा है, जिसके बाद राजा को वापस राजधानी पेरिस लाया गया और अब राजा को एक तरह से नजरबंद कैदी की तरह रखा गया। लेकिन इस भागने की घटना के बाद फ्रांस के लोगों को अब अपने राजा पर विश्वास नहीं रहा और इसी घटना ने क्रांति के प्रवाह को एकदम बदल कर रख दिया, क्योंकि अभी तक फ्रांस में राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना करने की बात किसी ने भी नहीं की थी। लेकिन राजा की इस हरकत के बाद अब लोग चाहने लगे थे कि राजशाही खत्म करके अब फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अब फ्रांस में गणतंत्रवाद का प्रारंभ हुआ। फिर इसके बाद 1 अक्टूबर 1791 के दिन नई विधानसभा का अधिवेशन शुरू हुआ।
लेकिन इसमें पादरियों ने संविधान के प्रति शपथ लेने से इनकार कर दिया और फ्रांस के कुछ हिस्सों में पादरियों के नेतृत्व में हजारों लोगों ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने राष्ट्रीय रक्षकों को मार भगाया, जिसके बाद फ्रांस में गृहयुद्ध शुरू हो गया। अब यह गृहयुद्ध पादरियों के कारण शुरू हुआ था, तो संविधान सभा ने उन पादरियों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, लेकिन राजा ने इस गिरफ्तारी को मंजूरी नहीं दी। इस कारण लोगों का राजा के प्रति अविश्वास थोड़ा और बढ़ गया और राजा लुई जनता में और बदनाम होने लगा। अब इस दौरान बहुत से कुलीन वर्ग के लोग फ्रांस छोड़कर भाग गए थे, तो अब इन कुलीनों के साथ साथ कई पादरी भी फ्रांस से भागने लगे। उस समय इन सभी को भगोड़ा कहा गया था, लेकिन ये सभी भगोड़े फ्रांस की पूर्वी सीमा के उस पर यानी इस ब्लू कलर वाले प्रशिया के इस भाग में इन भगोड़ों ने लगभग 20,000 सैनिकों की सेना तैयार कर ली। और इतना ही नहीं, इन्हें इस ऑस्ट्रिया और इस प्रशिया के राजाओं का समर्थन भी प्राप्त था। तो अब ये दूसरे देश के राजा फ्रांस के भगोड़ों की मदद क्यों कर रहे थे? क्योंकि फ्रांस में अगर क्रांति सफल होगी तो क्रांति का यह तूफान इनके देश में भी आएगा और इनके देश में भी राजशाही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इस कारण दूसरे देश के राजा इन भगोड़ों की मदद कर रहे थे ताकि फ्रांस की क्रांति को रोकी जा सके। लेकिन इस तरफ फ्रांस में संविधान सभा ने इन भगोड़ों के विरुद्ध भी एक फरमान जारी किया कि आप लोग वापस फ्रांस लौट आए और आप अपनी सेनाएं भी भंग कर दो, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सारी संपत्ति यहां पर जब्त कर ली जाएगी और आपके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन राजा लुई ने इस बार भी मंजूरी नहीं दी और राजा के इस कदम ने क्रांतिकारियों को और अधिक भड़का दिया, क्योंकि अब देश का राजा अपनी मनमानी कर रहा था। देश के पादरी और कुलीन वर्ग के लोग देश से भागकर अपनी अपनी सेना बना रहे थे, जिसमें इस ऑस्ट्रिया का राजा इन पादरी और कुलीनों की मदद कर रहा था। ऐसे में देश की जनता भड़क उठी थी। तो 20 अप्रैल 1792 के दिन फ्रांस की संविधान सभा ने इस ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब संविधान सभा अभी अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हुई थी कि युद्ध शुरू हो गया, जिस युद्ध के लिए संविधान सभा के पास ना कोई ढंग की योजना थी और ना ही बड़ी सेना थी। इस कारण शुरुआत में फ्रांस को भारी हानि उठानी पड़ी और फ्रांस को हार का सामना भी करना पड़ा। और ऊपर से संविधान सभा के दो फरमान, एक भगोड़ों को सजा देना और दूसरा इस युद्ध के दौरान राजधानी पेरिस की रक्षा के लिए 20,000 सैनिकों की व्यवस्था करने के फरमान निकाले गए थे, लेकिन राजा लुई ने दोनों को रद्द करवा दिया। इस कारण पेरिस की जनता फिर से भड़क उठी और 20 जून 1792 के दिन इस जनता ने राजमहल पर धावा बोल दिया और राजा को फरमान पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन राजा ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जिसके बाद जनता राजा को अपमानित करके वापस लौट आई। फिर अगले महीने यह प्रशिया भी ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़ा और प्रशियन सेना फ्रांस की सीमाओं में काफी अंदर तक घुस आई, जिस दौरान एक प्रशियन सेनापति ने फ्रांस की जनता को आदेश दिया कि तुम फ्रांस के राजा को आजाद कर दो और राजपरिवार के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार ना करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम पेरिस को धूल में मिला देंगे। लेकिन प्रशियन सेनापति के इस आदेश से पेरिस की जनता गुस्से में आ गई और 10 अगस्त 1792 के दिन पहले से भी बड़ा भयंकर विद्रोह हुआ। इस भीड़ ने दोबारा राजमहल पर धावा बोल दिया, जिसमें राजपरिवार तो किसी प्रकार बच गया लेकिन राजमहल के 800 रक्षक मारे गए और भीड़ में से भी लगभग 5,000 आम जनता मारी गई। अब 10 अगस्त के इस विद्रोह के लिए पेरिस की संविधान सभा जवाबदार थी, जिसमें जैकोबिन लोग सबसे ज्यादा थे। अब ये जैकोबिन कौन थे? तो उस समय फ्रांस की राजनीति में छोटे छोटे संगठन खड़े हुए थे, जिसमें से एक था ये जैकोबिन क्लब, जिसका लीडर था रोबेस्पियर। ये उसकी इमेज है। तो ये जैकोबिन क्लब किसी भी तरीके से राजा लुई को हटाना चाहता था, लेकिन पुराने संविधान से राजा को हटा नहीं सकते थे। राजा को हटाने के लिए नए संविधान की जरूरत थी। तो नया संविधान बनाने के लिए एक अस्थायी समिति बनाई गई, जिसका अध्यक्ष दांतो को बनाया गया। ये दांतो की इमेज है। और इस अस्थायी समिति को कम्यून का शासन कहा जाता है। तो जैसे ही ये कम्यून सत्ता में आए, इन्होंने पुराने संविधान को नजरअंदाज करते हुए राजा लुई और उसकी रानी को टेम्पिल नामक पुराने किले में बंदी बनाकर भेज दिया और राजा लुई के कई समर्थकों को भी जेल में डाल दिया गया, क्योंकि ये कम्यून लोकतंत्र के समर्थक थे। तो ये चाहते थे कि राजा और उनके सभी समर्थकों को हटाया जाए ताकि फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। इस कारण इस कम्यून ने सितंबर 1792 में
भयंकर मारकाट शुरू कर दी। ऐसे तमाम लोगों को जो दुश्मनों की मदद कर रहे थे या फिर कम्यून को जिन जिन लोगों पर शक था कि यह दुश्मन की मदद कर रहा है या कर सकता है, उन सबको मौत के घाट उतार दिया गया। 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच लगभग 1200 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इस घटना को सितंबर का हत्याकांड कहते हैं। अब यह कम्यून एक अस्थायी समिति थी, यानी कुछ समय के लिए, जब तक एक स्थायी समिति ना बन जाए तब तक के लिए। तो 21 सितंबर 1792 के दिन एक नई समिति बनाई गई जिसे कन्वेंशन नाम से जाना जाता है। तो कन्वेंशन ने सत्ता में आते ही फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया, यानी आज से राजशाही खत्म और लोकतंत्र का आगाज कर दिया। और तुरंत ही कन्वेंशन ने एक नया संविधान बनाने की भी शुरुआत कर दी। लेकिन उस समय फ्रांस की राजनीति में कुछ छोटे छोटे संगठन उठ खड़े हुए थे, तो इन संगठनों के आपसी मतभेद के कारण यह कन्वेंशन नया संविधान बनाने का काम शुरू नहीं कर पा रहा था। तो किन किन संगठनों के बीच आपसी मतभेद था? तो एक तो था जैकोबिन क्लब। इस क्लब की बैठकें लगभग रोज होती थी और इसमें बड़े जोशीले भाषण दिए जाते थे, और यह रोबेस्पियर इस क्लब का प्रसिद्ध नेता था। उस समय फ्रांस के लगभग 2000 नगरों में इन जैकोबिन क्लब की शाखाएं फैली हुई थी, लेकिन इनकी मुख्य शाखा पेरिस में ही थी। और पेरिस की शाखा जो आदेश देती थी उसका पूरे फ्रांस की सभी शाखाएं पालन करती थी। तो इस तरह से जैकोबिन क्लब काम करता था। और उनके सामने दूसरा संगठन था जिरोंडिन का, जिनके सदस्य फ्रांस के दक्षिण पश्चिम भाग, फ्रांस के मैप में ये लाल कलर में जो है उसे जिरोंड कहा जाता है। तो इनके सदस्य ज्यादातर यहां से ही आए थे, इस कारण इनका नाम जिरोंडिन था। और ये बड़े साहसी लोग थे क्योंकि इनमें ज्यादातर युवा थे, जिनके नेता मैडम रोलान थे। तो उस समय फ्रांस की राजनीति में यह जिरोंडिन और यह जैकोबिन क्लब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे, क्योंकि जिरोंडिन को जैकोबिन क्लब के प्रमुख नेता जैसे रोबेस्पियर और दांतों से नफरत थी। तो सामने इन जैकोबिन नेताओं को इन जिरोंडिन से नफरत थी। तो इन दोनों के इस मतभेद के कारण एक नए संविधान का काम अटका पड़ा था। अब मौजूदा समय में कन्वेंशन सत्ता में था, जिसमें ज्यादातर जैकोबिन क्लब के लोग थे, और यह जैकोबिन राजा लुई को फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। इस कारण जैकोबिन ने मांग की कि राजा को तुरंत बिना अभियोग चलाए ही सजाए मौत दी जाए। लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में थे, इस कारण राजा को सजा दी जाए या ना दी जाए इस पर मतदान हुआ, जिसमें टोटल 721 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें से 387 सदस्यों ने राजा को मौत की सजा देने के पक्ष में मत दिया, तो सिर्फ 334 सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया। यानी ज्यादातर सदस्य राजा को मौत की सजा देने के पक्ष में थे। इस कारण 21 जनवरी 1793 के दिन राजा लुई को सूली पर चढ़ा दिया गया। यह उस दौर की एक पेंटिंग है जिसमें राजा लुई 16 है। अब उन दिनों गुलेटिन के जरिए फ्रांस में सजा दी जाती थी, इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस ब्लेड के जरिए मौत की सजा दी जाती थी। तो राजा लुई को भी इसी तरह से सजा दी गई। लेकिन राजा लुई की मौत का परिणाम बहुत बुरा निकला, क्योंकि इतिहास में शायद पहली बार ऐसी घटना घटी थी जिसमें देश के लोगों ने मिलकर राजा को मौत की सजा दी हो। तो इस घटना को देखकर फ्रांस के पड़ोसी देश के सभी राजा परेशान हो गए कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो, हमारे देश के लोग कहीं इनकी तरह क्रांति करके हमें ना मार दे। तो इस डर के कारण ये इंग्लैंड, ये स्पेन, ये हॉलैंड और जर्मनी के सभी राज्य और नीचे ये इटली, इन सब ने मिलकर फ्रांस के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। और ये ऑस्ट्रिया और प्रशिया तो फ्रांस के साथ लड़ ही रहे थे, यानी फ्रांस के सभी पड़ोसी राजा अब फ्रांस पर एक साथ टूट पड़े थे। और ऊपर से राजा की मौत के बाद फ्रांस में गृह युद्ध की ज्वाला धधक उठी। फ्रांस के कुछ 1,00,000 किसानों ने नए संविधान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके बाद फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया। यानी फ्रांस अंदर भी लड़ रहा था और बाहर भी लड़ रहा था 1793 में। अब पिछले साल कम्यून जब सत्ता में आई थी, जिसमें जैकोबिन क्लब के प्रमुख नेता थे, तब इन्होंने सितंबर हत्याकांड किया था और 1200 लोगों को मौत की सजा दी थी। तो जिरोंडिन संगठन इसके लिए जैकोबिन के नेताओं को सजा दिलवाना चाहता था, लेकिन मौजूदा सत्ता यानी कन्वेंशन ने मंजूरी नहीं दी। इस कारण इन जिरोंडिन लोगों ने विद्रोह करते हुए कन्वेंशन भवन को घेर लिया। लेकिन कन्वेंशन ने इसे रोकने के लिए जिरोंडिन नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। पर इस आदेश के बाद फ्रांस के जो लोग जिरोंडिन के फेवर में थे, ऐसे तमाम लोगों ने
कन्वेंशन सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिए, यानी फ्रांस में जो गृह युद्ध चल रहा था वो अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। लेकिन इस बड़े होते हुए गृह युद्ध से कन्वेंशन सरकार परेशान होती जा रही थी, क्योंकि इनकी सत्ता खतरे में आ गई थी। इस कारण कन्वेंशन ने जल्दी से एक नया संविधान बना डाला। ये उसकी इमेज है जो 1793 के संविधान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस नए संविधान में फ्रांस के सभी नगरों के अधिकार और जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई और किसी भी कानून को जनता की स्वीकृति के बाद ही लागू करने का प्रावधान रखा गया। और फ्रांस में 21 साल से बड़े हर युवक को मतदान करने का अधिकार दिया गया। तो ऐसे बहुत से कानून बनाए गए जिससे फ्रांस की जनता खुश हो गई और धीरे धीरे जनता शांत हो गई और उनका जो अविश्वास था सरकार के प्रति वो भी अब दूर हो गया। यानी इस नए संविधान से फ्रांस एक भयंकर गृह युद्ध से बच गया था। लेकिन फ्रांस के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो अभी खत्म नहीं हुई थी। पड़ोसी देशों से इनका जो युद्ध चल रहा था वो अभी भी जारी था। इस कारण कन्वेंशन सरकार ने फ्रांस की सेनाओं का पुनर्गठन किया और नई सेना ने पड़ोसी देशों की सेना से युद्ध करना शुरू किया और इन्हें रोकने में भी यह कामयाब रही। मतलब युद्ध तो अभी जारी ही था पर फ्रांस की सेना अब दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। अब फ्रांस के भीतर कन्वेंशन की जो सरकार थी वो ये चाहती थी कि सरकार के सभी विरोधियों को और उनके सभी नेताओं को खत्म कर दिया जाए ताकि ऐसे लोग दोबारा गृह युद्ध जैसे हालात ना पैदा करें। तो इसके लिए राजधानी पेरिस के 2 सार्वजनिक चौकों में गिलोटिन खड़े किया गया जिसमें हर रोज अनेकों लोगों को मौत की सजा दी गई। और 31 अक्टूबर 1793 के दिन तो एक साथ 21 जिरोंडिन नेताओं को भी गिलोटिन पर चढ़ाया गया जिसमें मदाम रोलान भी शामिल थे। और यहीं पर 16 अक्टूबर को फ्रांस की रानी जो अभी तक जेल में थी उसे भी चूल्हे पर चढ़ाया गया था। और ऐसा न सिर्फ पेरिस में बल्कि फ्रांस की जो प्रांतीय राजधानियां थी वहां पर भी प्रतिदिन कई लोगों को चूल्हे पर चढ़ाया जाता रहा जिसमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने या तो क्रांति का नेतृत्व किया था या फिर क्रांति को सफल बनाने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। यानी इसमें कई देशभक्त लोगों को भी सजा दी गई थी। और कन्वेंशन ने इन लोगों को यह कहते हुए सजा दी कि ये लोग लोकतंत्र के दुश्मन है। अब कुछ लोग जरूर थे लोकतंत्र के दुश्मन लेकिन कई निर्दोष लोगों को भी मौत की सजा दी गई क्योंकि इनमें कुछ व्यक्तिगत तो कुछ राजनीतिक लाभ छिपे हुए थे। इस कारण इस घटना को रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का राज्य कहा जाता है जिसमें सबसे बड़ा हाथ इस रोबेस्पियर का था जिसने फ्रांस के सभी छोटे छोटे राजनीतिक संगठनों को धर्म विरोधी बताकर उन्हें बंदी बना लिया और 24 मार्च 1794 के दिन उन सभी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यानी अब फ्रांस में कोई भी राजनीतिक संगठन था नहीं। तो इसके बाद 5 अप्रैल से लेकर 27 जुलाई तक यानी लगभग 100 दिन तक रोबेस्पियर ने फ्रांस पर एक तानाशाह की तरह शासन किया। इस दौरान रोबेस्पियर ने फ्रांस के बहुत सारे चर्च को तुड़वा दिया और बहुतों पर हमेशा के लिए ताला लगवा दिया। इसके अलावा इस दौरान रोबेस्पियर ने उन सभी लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाना शुरू कर दिया जो उनके लिए खतरनाक थे या भविष्य में खतरनाक हो सकते थे। यानी रोबेस्पियर ने इन 100 दिनों में लगभग 16,000 लोगों को मौत की सजा दी थी। लेकिन यही घटना उनके पतन का कारण भी बनी क्योंकि रोबेस्पियर कई छोटे बड़े लोगों को मौत की सजा दे रहा था। तो कन्वेंशन सरकार के नेताओं को भी अब अपनी मौत का डर सताने लगा। तो ऐसा कुछ हो इससे पहले ही कन्वेंशन के नेताओं ने रोबेस्पियर को खत्म करने का निश्चय कर लिया और 27 जुलाई 1794 की रात रोबेस्पियर और उनके सभी साथियों को बंदी बना लिया गया और उसी रात इन सबको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तब जाकर फ्रांस में आतंक का राज यानी रेन ऑफ टेरर का अंत हुआ था। फिर इसके बाद फ्रांस के भीतर तो सब शांत सा नजर आ रहा था लेकिन सीमा पर फ्रांस अभी भी अपने पड़ोसियों से युद्ध में उलझा हुआ था। लेकिन तब तक में यानी साल 1795 तक में कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार कर लिया। ये उसकी इमेज है। इसका निर्माण भी लोकतंत्र के सिद्धांतों पर किया गया था और इसमें मानव अधिकारों के साथ साथ मनुष्य के कर्तव्य पर भी प्रकाश डाला गया जो एक बिल्कुल नई बात थी। लेकिन इसमें फ्रांस के शासन का सर्वोच्च अधिकार एक डायरेक्टरी को सौंपा गया। यानी 26 अक्टूबर 1795 को कन्वेंशन ने अपने को भंग कर दिया और 27 अक्टूबर 1795 से डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ फ्रांस में जिसने 1799 तक शासन किया था। लेकिन इसमें सिर्फ 5 व्यक्ति को सभी अधिकार दिए गए और ये 5 व्यक्ति ही इसका संचालन करते थे।
जिनमें से कार्नेट को छोड़कर बाकी सभी कम बुद्धि वाले और बदनाम और स्वार्थी राजनीतिज्ञ थे, जिसे जनता का समर्थन भी प्राप्त नहीं था। और ऊपर से 1795 में फ्रांस में भीषण सर्दी पड़ी, जिससे फ्रांस का व्यापार चौपट हो गया। इस कारण फ्रांस में फिर से भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। तो इन सब के कारण 1795 में बहुत बड़े बड़े विद्रोह हुए फ्रांस में, लेकिन आखिर में जनरल बर्रास की फौज की मदद ली गई। और बर्रास का सहायक युवक कौन था? वो था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने इन सभी विद्रोहों को रोक दिया। इस कारण नेपोलियन को पुरस्कार के रूप में फ्रांस की सेना का कमान मिला, जिसके बाद इसी साल यानी 1795 में ही फ्रांस का जिन यूरोपीय देशों से युद्ध चल रहा था उनमें से स्पेन, प्रशा और हॉलैंड ने फ्रांस से शांति वार्ता कर ली। बाद में पुर्तगाल, सैक्सनी और हेसेस नामक जर्मन राज्य और इटली के नेपल्स, पार्मा और पोप के राज्यों ने भी फ्रांस से शांति वार्ता कर ली, जिसके बाद अब फ्रांस का युद्ध सिर्फ इस ऑस्ट्रिया और इस इंग्लैंड से ही चल रहा था। लेकिन नेपोलियन ने आश्चर्यजनक ढंग से ऑस्ट्रिया को हरा दिया, पर इंग्लैंड अभी भी फ्रांस से लड़ रहा था। और इंग्लैंड हार माने उससे पहले ही 1799 में नेपोलियन ने फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन को खत्म करके फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, यानी नेपोलियन एक तरह से फ्रांस का नया राजा बन गया। तो जहां से क्रांति शुरू हुई थी वापस वहीं पर आकर फ्रांस की क्रांति खत्म हो गई। तो इस पूरी घटना को इतिहास में फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस पूरी घटना के दौरान अनुमानित 6 लाख से 13 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें भूखमरी, गृहयुद्ध, युद्ध और मौत की सजा सब शामिल है। और अलग अलग जगह पर आपको ये आंकड़े भी अलग अलग मिलेंगे, और यहाँ पर जो बताए ये भी अनुमानित ही है। और कहते हैं कि इसी क्रांति के बाद आधुनिक युग की शुरुआत हुई। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आधुनिक युग की शुरुआत बहुत खून खराबे के साथ हुई थी। तो यहाँ पर क्रांति का मुख्य भाग एक तरह से समाप्त होता है, लेकिन एक तरह से यह क्रांति आगे भी जारी रही थी, जिसे हम नेपोलियन के उदय वाले वीडियो में समझेंगे। और अगर आपको नेपोलियन के उदय से लेकर उसके पतन तक का इतिहास जानना है तो नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको देखना है। तो अब बात करते हैं कि इस क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो ना सिर्फ यूरोप के इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास में फ्रांस की क्रांति का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इस क्रांति ने सही मायनों में मध्ययुगीन पुराने व्यवस्था का अंत करके आधुनिक युग का सूत्रपात किया था। और इसी घटना के कारण यूरोप की प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का बना रहना अब लगभग असंभव हो गया था। और फ्रांस की क्रांति ने राज्य के संबंध में कई नई धारणाओं को जन्म दिया। राजनीति में नए कानून और सिद्धांतों के साथ जीवन का एक नया दृष्टिकोण सामने रखा। और इसके बाद दुनिया में जहां जहां पर क्रांति हुई थी उनमें से ज्यादातर ऐतिहासिक घटनाएं फ्रांस की क्रांति से ही प्रभावित हुई थी। और आखिर में ये भी जान लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति के क्या क्या परिणाम रहे। तो पहला है सामंती व्यवस्था का अंत। तो मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण देन है, क्योंकि पिछले कई सदियों तक करोड़ों लोग इस व्यवस्था के तहत बद से बदतर जीवन जी रहे थे। और आर्थिक शोषण तो इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बुराई यह थी कि सामंत व्यवस्था में आम जनता का कुछ भी महत्व नहीं था। ऐसे में फ्रांस की क्रांति ने इस अपमानजनक व्यवस्था का अंत कर दिया और समानता के सिद्धांत उजागर करके आम जनता को उनके अधिकार दिए। और बाद में फ्रांस की क्रांति का दूसरे देश के लोगों पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि जिससे यूरोप के बाकी देशों में भी धीरे धीरे सामंत व्यवस्था का अंत हो गया था। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय। तो धर्म के क्षेत्र में उदारता लाना इस क्रांति की एक और महत्वपूर्ण देन है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद ही यूरोपीय देशों में लोगों को धार्मिक उपासना की आजादी मिली थी, यानी जिनको जो धर्म मानना है वो उस धर्म को मान सकता है और जिनको कोई भी धर्म नहीं मानना है वो ना माने, यानी आपकी जो मर्जी है वैसा आप करें। क्योंकि इससे पहले यानी राजाओं के शासन में जनता को सिर्फ उसी धर्म को मानना पड़ता था जिस धर्म में राजा विश्वास करता था, और दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को बहुत ही भयंकर दंड दिए जाते थे। ऐसे में फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करके मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है। उसके बाद राष्ट्रीयता का विकास, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने एक ऐसी राष्ट्रीयता को जन्म दिया जिसका प्रभाव आज भी दुनिया पर कायम है। लोगों के दिल में अपने देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रवाद की यह भावना सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही,
जैसे जैसे क्रांति का विस्तार होता गया, वैसे वैसे यूरोप के बाकी देश भी इस भावना से प्रभावित और प्रेरित होने लगे और दुनिया के हर गुलाम देश में भी इस भावना का प्रचार हुआ, जिसके बाद उन देशों में भी आजादी के लिए आंदोलन उठ खड़े हुए थे। उसके बाद राजनीतिक देन, तो इस क्रांति ने राजाओं को ईश्वर मानने के सिद्धांत को खत्म करके संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया, यानी देश का शासन किसी एक राजा के हाथ में ना रखकर राज्य की जनता के हाथ में हो, यह इस क्रांति ने साबित कर दिखाया। और इस क्रांति के बाद आम जनता भी अब देश की राजनीति में हिस्सा लेने लगी, जिसके बाद राजनीतिक दलों का बड़े पैमाने पर उदय और विकास हुआ दुनिया भर में। उसके बाद आम जनता का महत्व, तो मानव अधिकारों की घोषणा, उनकी आजादी और समानता के सिद्धांतों को अपनाकर फ्रांस की क्रांति ने आम जनता के महत्व की गरिमा को स्वीकार किया, क्योंकि इस क्रांति से पहले आम जनता का कुछ भी महत्व नहीं था। समाज में सिर्फ विशेष अधिकार वाले और कुलीन वर्गों का ही प्रभाव था, लेकिन इस क्रांति के बाद आम जनता के विचार ही शासन के स्वरूप का आधार बन गई, यानी आम जनता की आजादी इस क्रांति की एक अमूल्य देन बन गई। उसके बाद समाजवाद का उदय, तो फ्रांस की क्रांति ने ही समाजवादी व्यवस्था का मार्ग अपनाया था, क्योंकि इस क्रांति में अमीर और गरीब को समानता दी गई और जो अधिकार अमीर लोगों को मिलते थे वे अधिकार अब गरीब लोगों को भी मिलने लगे, यानी सभी के लिए एक समान कानून बनाया गया और जो धर्म के ठेकेदार थे उन्हें हटाकर एक समाजवादी व्यवस्था की पृष्ठभूमि ऐसी क्रांति ने तैयार की थी। और आखिर में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तो फ्रांस की क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा प्रदान किया, क्योंकि आजादी इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस नारे की शुरुआत भी इसी क्रांति से हुई थी और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी हर इंसान को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। और इसी तरह भाषण, लेखन, प्रेस तथा जानमाल की सुरक्षा जैसे अधिकार भी इसी क्रांति ने दिए, यानी जीवन के सभी दृष्टिकोण से इंसान को समानता के समान अधिकार दिए गए, जिसमें सभी को न्याय मिलना सबसे बड़ी बात है। और इन्हीं के आधार पर बाद में दुनिया भर में लोकतंत्र की नींव मजबूत हो पाई थी। तो कुछ इस तरह से फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को प्रभावित किया था। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।